रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। इस चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को रिपब्लिकन की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टक्कर दे रहे हैं। इस चुनाव में यूक्रेन का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां बाइडेन यूक्रेन को मदद जारी रखने के पक्ष में है, तो वहीं ट्रंप यूक्रेन को सैन्य मदद रोकने के पक्ष में है। और अब इसी को लेकर ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे अमेरिका में बाइडेन चौतरफा तो घिरे ही हैं, वहीं पुतिन के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आई होगी। दरअसल एक इंटरव्यू में ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि रूस युद्ध की एक मशीन है जिसने अतीत में शक्तिशाली आक्रमणकारियों को हराया है। इसके अलावा ट्रंप का कहना है कि वो 24 घंटे के भीतर यूक्रेन युद्ध को खत्म कर देंगे, बशर्ते वोटर्स उन्हें दोबारा से राष्ट्रपति भवन में बैठा दें। ट्रंप ने आगे कहा कि यूरोपीय देशों का इस युद्ध में ज्यादा हिस्सा है, इसलिए उन्हें यूक्रेन को समर्थन के लिए अमेरिका से ज्यादा पैसा देना चाहिए। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारे बीच एक समुद्र है, उनके बीच समुद्र नहीं है। आपको पता है कि उन्होंने पैसा क्यों नहीं दिया, क्योंकि किसी ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा नहीं। मुझे डर लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये याद रखें कि आप रूस में एक युद्ध मशीन के खिलाफ हैं। उन्होंने हिटलर को हराया, उन्होंने नेपोलियन को हराया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोला हो, बल्कि चुनाव प्रचार की शुरुआत से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूक्रेन का राशन पानी बंद करने की मांग कर रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिकी संसद में उनकी पार्टी के सांसदों ने यूक्रेन को दिए जाने वाला 60 अरब डॉलर का मिलिट्री पैकेज पास नहीं होने दिया। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति बाइडेन की पार्टी यूक्रेन को मदद जारी रखने के पक्ष में है। बाइडेन का कहना है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई जारी रखने से भविष्य में रूस के साथ सीधा संघर्ष नहीं होगा, लेकिन अगर रूस यूक्रेन को हरा देता है तो वो किसी नेटो देश पर हमला करेगा, जिससे अमेरिका को इस युद्ध में सीधे तौर पर अपनी सेना भेजने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन वहीं रूस के राष्ट्रपति इस बात से इनकार कर चुके हैं कि उनका किसी नेटो देश से जमीनी विवाद नहीं है, और ऐसे में नेटो देश पर हमला करने की कोई संभावना ही नहीं बनती।